नमस्कार, गुड इवनिंग बेटाओं। स्वागत है आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं बेटाओं आप सभी लोग? ऑफलाइन वाले भी बता दीजिए हाल चाल सब बढ़िया। ध्रुव, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं सर। कैसे मतलब, तो एक दिन आता है फिर 5-7 दिन गायब, फिर एक दिन आता है। पूरी घर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी इसी पे है, घर बैठा रह रहे हैं। चलो कोई नहीं, थोड़े दिन का और साथ है, मतलब एक चैप्टर और है फिर आप फ्री मेरी साइड से, फिर एक आध चैप्टर और बचेंगे जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कभी भी लिबरेरी रहेगा उनका। तो कहाँ तक हुआ था कल लास्ट, मुझे बताएंगे? फोन क्लच करवाना था, हेडिंग डालिए फोन क्लच। अरे कौन शंकु वाला कौन? हैं मैं वही तो बोल रहा था। पांच छह दिन अभी तो कोचिंग का ही होता है, तो ये चीज़ देखने के लिए मतलब कुछ मैं टाइम नहीं दे सकता 7 से 8 का, उसके बाद और भी मिल जाओ, फिर 7 से 8 का टाइम मिल जाएगा ना, फिर 7 से 8 में भी हो जाएगी। तो 7 कल आज भी तो कल मैं बोल के गया था यार, तुम्हारे सामने की तो बात है, कल मैं बोल के गया था तो आज मेरे को फोन आया था, अभी तो कल ने मना कर दिया, अभी थोड़े दिन बीच। एक 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 चीज़ से समझ तो कर लिया था यार अपन ने ना। समझ लिया था ना इसको कल अपन ने, शायद है ना, लिखना है इसमें बेसिकली जो एक कॉन शेप बनाया गया है यहाँ पे आपके, दो ड्रिवन मेंबर और ड्राइविंग मेंबर की बात करूं, इसके अंदर ये कोन इनर कोन होता है और ये वाली चीज आउटर कोन है, मतलब शंकु है वो उसकी चीज उसके अंदर मर्ज होगी ना जाके। तो जैसे ही आप नॉर्मली ये इसके अंदर रहती है, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये आपके इस फ्लाईव्हील के अंदर जो खांचा कटा हुआ है, यानी इसी कॉनिकल शेप में कटा होता है, इसके अंदर फिट रहता है। और जैसे आप पैडल दबाते हैं तो आपकी जो प्रेशर प्लेट है ये इसको इधर की साइड खींचती है तो ये बाहर आ जाता है, यानी डिसंगेज कर देता है उसको ना। तो ये ऑपरेशन कल अपन ने देखा था, सिंपल सा मैकेनिज्म है, लिख लो इसके बारे में। लिखो पहली चीज़ तो ये लिखो कि इसमें जो क्लच प्लेट होती है ना वो टेपर नुमा या शंकु आकार की होती है ना, दिख रहा होगा आपको, एक क्लच प्लेट जो अंदर की तरफ भी है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये लिखो, इसमें क्लच प्लेट पेपर नुमा या शंकु है, पेपर नुमा दूसरा। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, ये आपका इनर कोन है जो कि आपके ड्रिवन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, और ये आपका आउटर कोन होता है जो कि आपका ड्राइविंग, अब ड्राइविंग बोले तो फ्लाईव्हील और ड्रिवन बोले तो ट्रांसमिशन सिस्टम। दूसरा इसका जो जो इनका वैसे भी नाम लिख लेना, जो इनर कोन होता है उसको मेल कोन भी बोल, और ये आपका किससे जुड़ा होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से, ये लिख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाग किससे जुड़ा होता है, यानी ये पूछ सकता है कि जो आपकी कॉनिकल क्लच होती है उसका इनर कोन किससे जुड़ा होता है, या वो ड्राइविंग मेंबर होता है, ड्रिवन मेंबर होता है, ये चीज़। यानी अगर मैं मेंबर की बात करूं तो
तो ट्रांसमिशन सिस्टम प्लस ड्राइविंग ड्रिवन मेंबर। वहीं जो आउटर कोण होता है आपका उसको बोलते हैं फीमेल, और ये किससे जुड़ा होता है फ्लाईव्हील, और इसको क्या बोलते हैं ड्राइविंग। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे एक बड़ी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेंट्रलाइज्ड स्प्रिंग होती है, केंद्रीय होती है, जो कि आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के चारों तरफ लगी होती है ये स्प्रिंग। इसको यानी ये इधर ही प्रेशर प्लेट होती है वाली, इसको शंका, क्या मैं इसको प्रेशर प्लेट बोलूँ, कल बताया था आपको, है ना, क्योंकि जहाँ पे ये स्प्रिंग दबाव लगा रही है या फिर आपका क्लच प्लेट है जहाँ पे प्रेशर लगाता है वो चीज आपकी प्रेशर है। एक ही डिस्क, एक ही प्लेट के एक साइड को क्लच प्लेट बोलते हैं, दूसरी साइड को आप प्रेशर प्लेट, जिस सिरे पे आपका प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो प्रेशर प्लेट। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग या कोयल मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ पे कोयल नुमा स्ट्रक्चर होता है, कोयल मतलब ऐसे स्प्रिंग तो ऐसे ही होती है कोयल टाइप, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि इस स्प्रिंग को ऑपरेट करने के लिए स्प्रिंग कोयल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये अंगेज कंडीशन में रखती है और जैसे ही क्लच पेडल अपन दबाते हैं तो ये इस जो आपका इनर कोन है इसको बाहर निकाल लेती है, यानी बाहर की तरफ खींच लेती, इनर कोन को बाहर की तरफ धक्का दे देती है, यानी स्प्रिंग का फोर्स हट जाता है। मैं सीधा सीधा बोलूँ स्प्रिंग पे से ये स्प्रिंग जो दबी हुई थी ना वो उसको थोड़ा खुला मिल जाता है तो एकदम से वापस आ जाती है, तो इधर आपका कोन आ जाए। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्लच पैडल बोले या क्लच लीवर बोले, आपकी लीवर ही आपके फेफड़े वाला लीवर नहीं है, नीचे ये वाला लीवर नहीं है, वैसा लीवर मैकेनिज्म जो होता है ना। हाँ लीवर क्या करता है, वैसे लीवर मैकेनिज्म मैंने बोला क्यों, मैंने पढ़ा था मेरे को वर्कशॉप में लीवर
क्या इससे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। आप एक 500 किलो के पत्थर को उठा सकते हो डायरेक्ट, नहीं लीवर डायरेक्ट तो तुम नहीं उठे, क्योंकि अपने 50 किलो का इंसान 500 किलो का पत्थर नहीं उठा सकता। लेकिन आप एक बड़ी सी रोड यूज करो और उसके नीचे पत्थर लगाओ और फिर आप उठा सकते, यानी ये लीवर सिस्टम। जब बीच में फलकन आ जाता है, कोई फिक्स पॉइंट आ जाता है, तो आपका जो फोर्स है, आपका जो एफर्ट है, वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना तक भी बढ़ जाता है। इसको बोलते मैकेनिकल एडवांटेज, जो आपने लोड लगाया, जो एफर्ट लगाया वो, और आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, इसमें लीवर मैकेनिज्म भी अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे लीवर इसलिए यूज किया है क्योंकि भैया क्लच है, अपन चाहते हैं कि कम से कम प्रेशर लगाना पड़े इसको ऑपरेट करने के लिए, या ये जो स्प्रिंग का दबाव है इसको हटाने के लिए आप पैर से इजीली दबा पाए। ऐसा नहीं है कि भैया पूरा झूल जाए, इसलिए लीवर का प्रयोग किया, ये क्लच पैडल या क्लच लीवर। दबाते हैं करता बाहर आ गया। इसका वीडियो देखना चाहोगे कैसे काम करती है, सिंपल है वैसे तो बहुत। क्या हुआ, साउंड भी थोड़ा कम है। तो एक लड़का भी तो दिखा रहा था, भेजा था होता ये बात है। एक मेल कोन, एक फीमेल कोन है, ये आपका जो आपका फ्रिक्शन मटेरियल की पूरी एक पट्टी चढ़ा दी जाती है इस कोन पे, पूरे फ्रिक्शन लाइनिंग भी अपन इसको बोलते हैं। और ये देखो स्प्लाइन शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट में देखो गियर कटे होते हैं, ये भी एक चीज है।
आपके वैसे आगे आ जाएगी वैसे, ये तो स्प्रिंग लगी हुई है, और ये जो शाफ्ट होती है ना ये स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं। स्प्लाइन शाफ्ट का मतलब ऐसे शाफ्ट जिसपे चूड़ियां कटी होती है लंबी लंबी, उसमें वो ये जो आपकी डिस्क होती है ना, डिस्क में भी अंदर वो थ्रेड इंटरनल चूड़ियां कटी होती है तभी वो एकदम सेट होती है। ऐसे तो फिसल सकती हूँ बताओ, जब वो रोटेट होंगे तो फिसलेगी नहीं, फिसलेगी नीचे वाले शाफ्ट पे। तो स्प्लाइन शाफ्ट होती है ताकि मूवमेंट भी इजीली हो जाता है, और जो दोनों शाफ्ट जब अंगेज हो जाएंगी तो 100% पावर ट्रांसफर, क्योंकि गियर मैकेनिज्म ही एक पॉजिटिव ड्राइव होती है बराबर। एक बार बताया था मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम जब आपको मैंने पढ़ाया था, बेल्ट मैकेनिज्म आपका स्लिप होता है ना, नॉर्मली आप दो शाफ्ट को कनेक्ट करो वो भी स्लिप होगी, लेकिन अगर आप गियर से कनेक्ट करोगे तो 100% पावर ट्रांसमिट होगी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव ड्राइव है। इसके अलावा एक चैन ड्राइव भी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए अपने जो कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट को ऑपरेट करने के लिए चैन यूज की जाती है, जिसको अपन टाइमिंग चैन बोलते हैं, है ना। क्योंकि चैन जो है बेल्ट यूज नहीं करते, बेल्ट क्योंकि स्लिप होती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा ऐसे लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये स्प्लाइन शाफ्ट होती है ना, इसके अंदर पूरे में थ्रेड कटे हुए, मतलब गियर टाइप में कटे हुए। ये चीज रोटेट हो रही है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि रोटेट हो रही है। ये ध्यान रखना, प्रेस करते हैं ना उसको तब बाहर निकलती है नॉर्मली। इसने शायद उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसने पैडल ही उल्टा लगा रखा है। बाकी नॉर्मली कंडीशन में अब ये अंगेज रहती है, और जैसे ही आप अब ये इसने देखो दबा हुआ माना रखे, बाकी दबाने के बाद बाहर आ जाती है। ये थोड़ा सा खोल सकते, काफ़ी सारी चीज़ें भी आ गई, ज़्यादा करेंगे तो फिर 30 सेकंड से ज़्यादा भी शायद बोतरे चल जाते अपने यूट्यूब। केशव लाल मीणा गुड इवनिंग सचिन क्लास का उत्साह कर रहे हैं, रामदेव तो क्या बात है भाई, बहुत दिन बाद दिखा देते। सचिन बोल रहे थे पिछली बार 2 नंबर पे आ गए आगे कभी क्या गलत कर दिया। अच्छा बोला सर वैकेंसी नहीं बढ़ रही, या वैकेंसी नहीं बढ़ रही तो उसमें इतना कहाँ गलत करा रहे, तो बढ़ा रहे हम कौन सा वैकेंसी, वो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ये तो ऐसी चीज़ें तो मत बोला करो यार। हाँ कोई सेंस नहीं है भाई, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। हाँ ये अब कोई समझता नहीं है ना मैं, हम पर्सनली किसी का मतलब हम तो कभी भी स्टूडेंट का बुरा नहीं सोचते, कभी भी चाहे हमारे पेमेंट कट जाए हमें कोई फर्क नहीं, बच्चे के साथ बुरा नहीं सोचते। देखो बच्चे को एक कभी भी, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी बच्चे को थोड़ा सा डिमोलाइज नहीं करना है, कभी कभी हमेशा पॉजिटिव रखते मैं तो। इसको ना उम्मीद तो बिल्कुल मत होना, एक सबसे बड़ी गलत जो है वैकेंसी को स्पेशल एक प्रोपोगेंडा बना रहे हैं यार, इसको गोली मारो तुम तो। वैकेंसी वैकेंसी जो भी है ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बुरी नहीं है, आप अपने एफर्ट्स लगाओ ना, जो इसमें
वैकेंसी के चक्कर में पड़ रहे हो भाई, कोई चांस से थोड़ी ना आएंगे वो सेलेक्ट होंगे। 85 करोड़ ने बढ़िया शायरी लिखी है, अभी मैं इतना लंबी लिख दी पढ़ने में टाइम नहीं। मत मत सोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है, इसने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। सही बात है भाई, बस रख भरोसा अपने गुरुदेव पर, इस वक्त को भी बदल के दिखा। ये देखो बंदा हमेशा पॉजिटिव रहे, और ये शायद सेलेक्ट हुआ था किसने है, ये बहुत पुराना है, पिछले बैच का है आशीष, ये भेल पता नहीं कौन से एक नवरत्न कंपनी में है। और ये पता है ये बंदा वो था जो शायद कहीं कंपनी में रहते हुए भी तैयारी कर रहा है। यार ऐसे बंदे भी तो उम्मीद करके बैठे हैं, तुम्हारे पास तो कोई जॉब नहीं, आराम से मस्त रह के तैयारी कर सकते हो, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ये तभी तो मैं देखा था ये बच्चा बोले तो बहुत दिन बाद देखे, क्योंकि बीच में मेरी यूट्यूब पर क्लासेस बंद हो गई थी, चल रही है ना यूट्यूब पर। नेक्स्ट लिखो सिंगल प्लेट क्लब। अच्छा ये हो गई ना, अब हेडिंग डालिए सिंगल प्लेट क्लब। ये इम्पोर्टेंट है, सारे फंडे इसी में, इन सिंगल प्लेट है ना, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं होगा। मल्टी प्लेट में अपन ये बोल देंगे कि भाई यहाँ पे एक से अधिक प्लेट यूज करेंगे, बाकी सारा फंडा इसी में छुपा होगा। सिंगल प्लेट प्लेट देखो, मैं तो एक चीज बोलूंगा, जो वैकेंसी का ये रोना पीटता है ना, वो कायर इंसान है, वो भाग रहा अभी, साफ सी बात बोलूंगा, वो एक बहाना ढूंढ रहा है अभी से। मेरे हिसाब से वैकेंसी खूब है, आराम से आप तैयारी कीजिए। जो अभी भी वैकेंसी कम कम चिल्ला रहे हैं ना, वो पहले ही डर के अपने मैदान छोड़ना चाह रहे हैं, वो एक शो पर अपना डर है उनके अंदर एक, वो डर को बस बाहर निकाल रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है। हाँ एक सीट थी भाई, और तुम तो बहुत अच्छी स्थिति में हो यार, साल भर हो गए तुमको अच्छी तरह, तुमसे बेटर अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी ना, उन्हें कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप शिद्दत करो, शिद्दत से लग जाओ भाई, और अभी भी आप अभी से अफर्ट, अभी कल का एक प्लान पूरा चार्ट देखो। डिसिप्लिन एक चीज मैं बोलूंगा, मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, एक तो आपका रिविजन मस्त है, एक आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं होता है कि आप टीचर के सामने नहीं बोलते हैं, क्लास में चुपचाप, वो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी लाइफ के साथ आप कितना डिसिप्लिन में, मतलब आप एक फिक्स टाइम रहना चाहिए आपका उठने का सोने का, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप एक टाइम चार्ट बना लो, भले इस टाइम के बीच मेरे को यही सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर उस टाइम वो टाइम निकल गया तो सब्जेक्ट गया, फिर ऐसा नहीं कि फिर आप बोलो अरे चलो 1 घंटा ही निकला है, चल सारे 1 1 घंटे आगे बढ़ा देते। डिसिप्लिन तो उसी को डिसिप्लिन बोल, जो आपके आर्मी वाले लोग होते हैं ना ऐसे ही, इतने मजबूत नहीं करते हो, डिसिप्लिन है। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे रात को नींद आई हो नहीं आई हो, XYZ नो एक्सक्यूज, तो सही किसी चीज़ के डिसिप्लिन, इसीलिए वो इतना तत्पर है देश की सेवा के। तो आप लोग भी पूरा अभी से फॉलो करो, मैं तो बोलूँ एक बार प्रयास करो, ढंग से प्रयास करोगे वही इम्पोर्टेंट। अरे कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हाई फाई, मेरे हिसाब से आप 60-70 पहुंच जाए, 60 से 70 बहुत है ITI वाले बच्चे के लिए, 60 से 70, क्योंकि अब वैकेंसी कम हो गई ना, पिछली बार 45 कैसे 45 45 तक भी गई थी किसी जोन में, तो 40 के आसपास भी गई है, 35 के आसपास भी गई थी, वो जोन पे डिपेंड करेगा। तो एक आप जोन का सिलेक्शन, दूसरा आप लोग सेफ जोन में चले गए तो 60+ लेके चलो, टारगेट बना लो अभी से, टेस्ट दो अपने नीचे लाइब्रेरी है वहाँ टेस्ट दो, और कहीं से भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं वो परचेज करो, क्योंकि उससे टाइमिंग बढ़ानी है, जो आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग जो है ना, वो जितना टेस्ट दोगे ना उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही बढ़ेगी। ये भी नहीं कि अपन तैयारी तैयारी करते जा रहे हैं और अपन एक बार भी उस पर बैठे नहीं कंप्यूटर, क्योंकि पेपर कंप्यूटर पे हो, कितना आपको वो स्पीड जो है ना कितने दे, वो वहीं से पता लगे, कम से कम 20-30 टेस्ट दोगे ना, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो टाइम मिलेगा उसमें मैं वो अगर चिकित्सक की सुनाए या 100 की सुनाए 1 घंटे के अंदर मैं कर लूँ, कितना है टाइम उसका, 60 मिनट 100 क्वेश्चन 75 मेरे हिसाब से तो बहुत सही है यार, 60 नहीं तो
60 मिनट में तो मतलब मैंने देखा है मैक्सिमम एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके तो बेहतर ही है, तो आपको करीबन करीबन 45 सेकंड मिल रहे हैं, 45 सेकंड मान के थे, जिसमें से आप जीके साइंस दो दो पाँच पाँच, अगर आता है तो 5 सेकंड आता है तो 5 सेकंड ले दे के, मैथ्स में आप 1-1.5 मिनट में छोड़ दे, अगर इससे ज़्यादा टाइम नहीं आ रहा आगे बढ़ो, ये अप्रोच बात की रहेगी। लेकिन ये आप कंप्यूटर पे बैठ के करोगे ना तब समझ में आएगी, तो तभी से सिलेबस पूरा कराना आपकी बात। बिल्कुल सचिन, तुम्हारा अब मोटर मैकेनिक 100% पूरा होगा, चिंता मत कीजिए। पिछली बार मैंने आपके छुड़वा दिया था, वापिस आऊँगा। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैच में डीजल के बच्चे ज़्यादा थे, तो उनकी डिमांड थी कि डीजल चलाया जाए, तो उस वजह से मैंने डीजल चलाया था, और MMV के बच्चे नहीं थे, इस वजह से MMV को मैंने होल्ड किया था ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, 100 अगर आपने पोस्ट परचेज कर रखा है तो आपका 100% होगा, अगर आपका एक्सपायरी हो रहा है तो मैं डेट एक्सटेंड करवा दूँ। सात बच्चे वैसे भी हुआ है कि जिसमें उन्होंने 1 साल पहले ले लिया था उनका, अब क्योंकि MMV वाले ने बच्चे ने 1 साल पहले ले लिया होगा तो उसके खत्म, उसका मैं करवा दूंगा जब तक आपका एज चलेगा, वो मैं आपको विदाउट कोई आपका पैसे बढ़वा दूंगा, आप बता देना। हेडिंग डालिए सिंगल प्लेट प्लस, हाँ इसको ध्यान से पढ़ना अपन को ना, तो इसके डायग्राम अपन लेते हैं, डाउनलोड देखो यहाँ पे सिंगल प्लेट क्लच को ढंग से समझ लेना, लगभग लगभग सारी क्लचेस का सेम ही फंक्शन रहने वाला है, वही 3 मेंबर यहाँ पे आने वाले हैं, एक ड्रिवन मेंबर, ड्राइविंग मेंबर और तीसरा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। अभी तक अपन ने ड्रिवन और ड्राइविंग मेंबर को तो जान लिया कि भैया वो फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है, और ये आपका आपके ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा होता है। आप दिख रहे हैं तो ये सारे डायग्राम ना बहुत कुछ कहने वाले हैं, ये पूरी क्लच को एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होने वाला है। अभी देखो अपन ने बेसिकली ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को समझना करते इस फंडे, क्योंकि अभी तक अपन ने ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से इतना काम नहीं किया, ड्रिवन मेंबर ड्राइविंग मेंबर वो उसमें कोई खास है नहीं, वो तो अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं सर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की, तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म 3 प्रकार से अपन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को एक बार समझेंगे फिर लिख भी लेंगे अच्छे से। यानी यहाँ पे ऑपरेट करने के आपका 3 तरीके हैं। पहला तरीका आता है बड़े कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग, पहला जो कि आपने कोन के अंदर की थी। दूसरा होता है डायफ्राम, यहाँ पे टेपर नुमा प्लेट होती है जैसा ये दिख रही होगी आपकी, ये मतलब इसको ऐसे दबाते हैं तो उधर चली जाती है फिर इधर आ जाती है, प्रकार का होता है, इसमें ऊपर के कोन पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ये मध्य वाला जो डिस्क होता है ना ये इधर उधर उसमें धक्का मारता है। तीसरा आता है स्मॉल वन यानी छोटे साइज की, कोइल स्प्रिंग होते हैं जैसा कि आपका डायग्राम में कहाँ कहाँ दिख रहे हैं स्प्रिंग। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना स्प्रिंग भी 2 जगह यूज किए गए, एक तो आप देखोगे ये वाले स्प्रिंग होते हैं जो कि प्रेशर प्लेट के ऊपर लगे होते हैं, जो कि आपकी प्रेशर प्लेट को बाहर निकालने का काम करते हैं,
पेज इसके अंदर भी लगे होते हैं, जैसे ये लगे हुए, इनको क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है आपका, सेफ्टी के लिए या वाइब्रेशन वगैरह को रिड्यूस, यानी इसके डिस्क के अंदर वाइब्रेशन जो आएंगे ना उसको रिड्यूस करने के काम आती है। अब सबसे पहले मैं बड़े कोयल की बात करूँ, एक एक को समझते हैं, यानी सेंट्रलाइज, जो कि अभी आपका फोन में भी देखा था, ये सेंट्रलाइज स्प्रिंग होती है, यानी बीच में इधर एक बड़ी स्प्रिंग यूज कर लिया था। अब जो आपकी क्लच प्लेट है उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये बीच में भी स्प्रिंग लगी होती है, तो ये स्प्रिंग अलग है, वो स्प्रिंग अलग है, इसको इसको सेम मत करते, वो प्रेशर डालने के लिए होती है, आपके प्रेशर प्लेट को दबाने के लिए उस पर प्रेशर अप्लाई, ताकि वो अंगेज कंडीशन में रहे। हाँ हाँ भाई, मैंने बताया ना दो प्रकार, अब स्प्रिंग में भी दो हैं, छोटे साइज के जो कि आपका ये वाला है, और एक बिल्कुल सेंटर में यूज कर ली थी अपन ने बड़ी स्प्रिंग, जैसा कि यहाँ पे बस एक ही स्प्रिंग लगा दी यहाँ पे बड़ी वाली, जो कि उस प्रेशर प्लेट को दबा के रखती है। दूसरा आप एक चीज और भी देख रहे होंगे इसमें कॉमन, एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यहाँ पे आपकी जो क्लच प्लेट या आपका जो भी है वो थोड़ा सा टेपर बनाए जाते हैं। टेपर बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली प्लेट, ये हल्की सी आपको कर्व नजर आ रही हो, यानी ये इसलिए थोड़ा सा टेपर दिया जाता है इसके अंदर, ये ऑनलाइन वालों को डायग्राम नजर तो आ रहे हैं ना कि वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, ये टेपर इसलिए दिया जाता है, यानी ये क्लच कुछ इस प्रकार से होती है, हल्की सी ऐसे दबी होती, मतलब यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि जब अपन अंगेज करेंगे उसको, क्लच को छोड़ेंगे धीरे धीरे, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा कॉन्टेक्ट में, सारा नहीं एक साथ, इसलिए थोड़ा सा टेपर देते हैं, पहले ऊपर से किनारा उसका ताकि थोड़ा सा रोटेशन है, और फिर एकदम से सीधा होता है पूरा, तब प्रेशर अप्लाई होता है, यानी पूरी क्लच प्लेट तब आती है कॉन्टेक्ट, तो हल्के हल्के टेपर ही मिलेंगे आपको, अगर एक्चुअल के अंदर देखोगे ना तो हल्का हल्का टेपर ना दिखेगा ही दिखेगा आपको, सर ताकि पूरा एक साथ संपर्क ना बने, धीरे धीरे बने, पहले आपके ऊपर के किनारे किनारे चारों तरफ से तक, और फिर बीच वाला पार्ट तक। यहाँ पे आप देखोगे सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है, इधर आपका फ्लाईव्हील है, ये आपका क्लच का एक कवर होता है बाहर से कवर करने के लिए, ये आपका जो आपका रिलीज वो होता है ना लीवर जो होता है, यानी आपकी क्लच यहाँ से कनेक्ट होती है, इसको बाहर अंदर करने के लिए बीच में चाप डाली जाती है, ये आपका क्या होता है डायफ्राम, यानी सेकंड टाइप का जो है ना आपका डायफ्राम के अंदर एक टेपर नुमा प्लेट होती है, सीधा सीधा मैं बोलूँ टेपर नुमा प्लेट भी हो सकती है, या काट काट के पीसेस में भी बना देते हैं, जैसे ये ना काट काट के ऐसे पत्तियां भी लगा सकते, ये भी डायफ्राम, ये भी डायफ्राम, ये भी डायफ्राम, हाँ देखो इसको ध्यान से देखो, ये भी एक पूरा मैकेनिज्म समझा रहा है, ये फ्लाईव्हील है, इसके अंदर स्लॉट कटा हुआ है, इसके अंदर क्या कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है, ये आपकी डिस्क होती है बीच वाली, जिसको अपन क्लच प्लेट भी बोल सकते हैं, प्रेशर प्लेट भी बोल सकते हैं, उधर वाला हिस्सा आपका क्लच, इधर वाला प्रेशर, जब आप नॉर्मली स्थिति में देखोगे तो ये चीज यहाँ इसके अंदर फिट रहती है, और जैसे आप क्लच पेडल यानी यहाँ पे ये जो आपके क्लच, ये आपका वही कवर हो गया, तो यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर असेंबली कहलाती है पूरी, जो प्रेशर प्लेट के साथ, क्योंकि ये इसी के साथ अटैच हो जाएगी, और जैसे इसको प्रेस करते हैं बाहर निकल के आ जाए, यहाँ पे भी वही चीज है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन मटीरियल यूज किया गया है, और ये बीच में देखो स्प्रिंग लगी है, ये क्लच डिस्क होती है आपकी, ये वाले इधर आपका ये पूरा का पूरा माउंटिंग यानी प्रेशर वाली प्लेट वाली अप्लाई करेगा, इधर ये डायफ्राम है जो कि इस प्रेशर प्लेट पे दबाव बनाता है इसको अंगेज कंडीशन में रखने के लिए, जैसे आप ये दबाते हो तो ये एकदम से ऐसे हो जाती है और उसको बाहर खींच ले, समझ रहे हो, जैसे इसमें बीच में प्रेशर डलेगा ये एकदम से ऐसे मुड़ जाएगी डायफ्राम प्रेशर, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये स्प्लाइन शाफ्ट दिख रही होगी आपको, देखो ये स्प्लाइन शाफ्ट होती है, यानी इसके अंदर खांचे कटे हुए हैं और साफ कुछ ऐसे होते हैं। दूसरा ये तो फ्लाईव्हील हो गया, इसके अलावा ये प्रेशर प्लेट हो गई, ये देखो बीच में स्प्रिंग लगाई गई, इसके बारे में बता रहे हैं, स्प्रिंग बिटवीन हब एंड डिस्क, यानी डिस्क और हब के बीच में लगाई जाती है, एब्जॉर्ब टॉप शॉक, यानी जो वाइब्रेशन होते हैं या जो शॉक लगता है, शॉक कब लगेगा, जब अंगेज होगा या डिसंगेज में तो नहीं होगा, अंगेज कंडीशन, तो उसको एब्जॉर्ब, ताकि इस डिस्क पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए मैंने बताया था ना इनको क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे अपन क्वेश्चन घर पे लगाते हैं ना अपने आराम के लिए, वो किसी की बात कर रहे हैं,
गद्दे के साथ लगे होते हैं ना, तो पीठ के नीचे लगाने के काम आते हैं, वो कुशन स्प्रिंग चलाती है वाली, है ना। ये चार पांच कितनी भी हो सकती है। कुशन स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है? वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए। जो आप उसको एंगेज करेंगे तो उस कंडीशन में ये अब्जॉर्ब करने के काम आएगी। बराबर है? अब हेडिंग डालिए सबसे पहले, सिंगल प्लेट चल रहा है ना, सारे डायग्राम को कैसे सेट करें? एक पेज में चाहता हूँ सारे डायग्राम रहे ताकि आपके पास। ये आपके दो प्रकार की सिस्टम जो है एक तरीके से, यानी एक तो ये आपका डायफ्राम वाला, एक ये आपका जो स्प्रिंग के अंदर जो अलग से फ्रिक्शन लाइनिंग प्रोड्यूस करके ये आपकी क्लच प्लेट है ना, ये आपकी प्रेशर डायफ्राम है जो कि प्रेशर प्लेट को धक्का देगी। यहाँ पे कोई चीज समझाएगी, आपकी प्रेशर प्लेट है, ये आपकी क्लच प्लेट है, ये पोर्शन लगे हुए हैं, और ये आपके लॉकिंग ग्रूव होते हैं एक तरीके से। ये दिख रहा है आपको, ये हाँ लॉक करता है उसको, लॉकिंग। इनको एक और चीज बोलते हैं, कौन सी फिंगर बोलते हैं इनको, फिंगर नाम से भी आपके रिलीज फिंगर बोलते हैं। वो भी आपका आ जाएगा जब अपन सेकंड वाला पढ़ेंगे, थर्ड वाला सॉरी, उसमें पता लगेगा कि ये रिलीज फिंगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रेशर प्लेट को रिलीज करने के काम आते हैं। जैसे ये ओपन होते हैं बाहर निकल जाते हैं, लॉकिंग वाली भी आती है। रिलीज लीवर बोलता है, तो ये लीवर को ही फिंगर भी बोलते हैं, रिलीज लीवर को ही रिलीज फिंगर भी बोलते हैं। कितना आ सकता है एग्जाम्पल मेरी मैं लिखवा देना चाहेंगे कि जो आपके ऑयल स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो रिलीज लीवर होता है उसको रिलीज फिंगर बोलते हैं। लिखो सिंगल प्लेट प्लस के मुख्य तीन भाग है। कौन कौन से? ड्राइविंग मेंबर, बीच में आपका जैसा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मेंबर की अगर मैं बात करूं, ड्राइविंग मेंबर के भी दो भाग, कौन कौन से? एक तो वो भाग
जिस पे फिक्शन लाइनिंग कटी होती है जो कि फ्लाईव्हील से कनेक्ट होगा, दूसरा यानी उसका दूसरा साइड जो कि प्रेशर प्लेट कहलाता है, क्योंकि ड्राइविंग मेंबर कौन है आपका, वही एक जो आपका इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट बोले तो जिस पे आपकी फ्रिक्शन लाइनिंग कटी होती है जो कि आपका फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, यानी इसके दो मुख्य भाग रहते हैं और ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यानी ड्राइविंग मेंबर ये जो पूरे रहते हैं किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन, यहाँ पे लिख लो पहले, यानी ड्राइविंग मेंबर किसका बना होता है, कास्ट आयरन। एक पॉइंट और आएगा, इस कास्ट आयरन के साथ थोड़ा सा ग्रेफाइट मिलाया जाता है, कल आपको कैसे बताया दी, हल्का सा ग्रेफाइट मिलाया जाता है सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए, तो लेकिन ज़्यादा नहीं रहता, कोई 1-2%। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, कास्ट आयरन प्लस ग्रेफाइट, अलग से पॉइंट ना लिखने की मेहनत करो, इसमें ग्रेफाइट मिलाया जाता है। और ग्रेफाइट क्यों मिलाया जाता है, लुब्रिकेशन, दो भाग होते हैं, एक भाग फ्लाईव्हील का पिछला हिस्सा होता है, फ्लाईव्हील का पिछला हिस्सा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, यानी वो वहीं पे तो जाके हम ये ढूंढी, फ्लाईव्हील का पिछला हिस्सा इस पर जैसे मशीन वर्क या मशीन फ्रिक्शन लाइन, लाइनिंग पट्टी और दूसरा हिस्सा आपका प्रेशर प्लेट जो कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से जुड़ा रहे। सीधा सीधा ये है कि ड्राइविंग मेंबर जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें हल्का सा ग्रेफाइट होता है, दूसरा कास्ट आयरन इससे ड्राइविंग मेंबर दो हिस्सों का बना होता है, पहला हिस्सा जो कि फ्लाईव्हील का रियर एंड होता है जहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग कटी होती है, या मैं बोलूँ आपका क्लच प्लेट वाला हिस्सा, क्लच प्लेट को मैं बोलूँगा यहाँ पे, यानी ड्राइविंग मेंबर का पहला हिस्सा कौन सा हो गया, क्लच प्लेट, और दूसरा हिस्सा कौन सा रहेगा आपका, प्रेशर प्लेट। जबकि दूसरा भाग जिसे प्रेशर प्लेट कहते हैं, आगे तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें, प्रेशर प्लेट कहते हैं, अर्थात स्प्रिंग से बना हो, क्योंकि इसी के लगे होते हैं सारे काम, या प्रेशर प्लेट के साथ ही जुड़े रहते हैं स्प्रिंग और वगैरह, अर्थात बना हो। बिल्कुल कर सकते हैं, आईटीआई तो 10वीं की व्याप्ति हो जाती है, तो 11वीं पढ़ सकते हैं।
एग्रीकल्चर साइंस पढ़ा नहीं। हाँ ये जो बच्चा बोल रहा है 11वीं में तो बिल्कुल कर सकते हैं, आईटी 10वीं के बाद भी होती है ना, लेकिन रेगुलर मत करना दोनों ही, तो रेगुलर में गड़बड़ है। तो ये था बेटा आपका ड्राइविंग में, और सेकंड आपका ऑपरेटिंग मैकेनिक हो गया। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। नंबर 2 बस इसमें देखो, ड्राइविंग मेंबर के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ड्राइविंग मेंबर कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें हल्का सा ग्रेफाइट होता है। दूसरा, इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग यानी फ्लाईव्हील का पिछला हिस्सा, दूसरा भाग जो कि प्रेशर प्लेट जिससे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बनता होता है। बस इतना सा ध्यान रखना। अब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, क्या करता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म? क्लच को अंगेज और डिसअंगेज कौन करेगा? तो यानी आप बोल सकते हो कि आपका ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर को अलग करने या एक साथ चिपके रहने में मदद करता है, या एक साथ कनेक्ट करने के काम आता है या डिसकनेक्ट करने के काम आता है। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म काम क्या आएगा, आपका ड्रिवन और ड्राइविंग मेंबर दोनों को कनेक्ट करना या आपको उसको अलग करना है, ये कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। अब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बेसिकली 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार आपका एक बड़ा कोइल स्प्रिंग लगा कर, पहला तरीका दिख रहा नहीं है अभी, लिखूंगा एक बड़ा कोइल स्प्रिंग लगा, पहला तरीका जो कि आपने किसमें किया था, इसमें क्या था कि जो कॉर्न क्लच थी उसके अंदर यही तो था, कॉर्न क्लच के अंदर यही लगा हुआ था। दूसरा आता आपका डायफ्राम, और तीसरा आता आपका छोटे साइज के क्लच, यानी कई छोटे छोटे कॉइल स्प्रिंग लगाकर, एक तरीके से स्प्रिंग ही बोलते हैं डायफ्राम टाइप। छोटे ये 3 तरीके हैं जिनको अपन ऑपरेट करेंगे, जिसमें से मान के चलिए आजकल प्रचलन में ये है सर्वाधिक, ये है जिसमें अपन इसको ढंग से पढ़ने वाले, ये ज्यादा, क्योंकि लगभग 99% व्हीकल्स के अंदर यही सिस्टम लगा है। लेकिन आजकल प्रचलन में कौन सा आने लग गया, जो आपकी महंगी गाड़ियां हैं उनमें तो पहले ही आता था, लेकिन अब छोटी गाड़ियों के अंदर भी डायफ्राम बराबर है। इनको अपन सबसे पहले मैं बात करूँ आपका एक बड़ा कोइल स्प्रिंग, तो इसका तो मैकेनिज्म सिंपल सा है जो कि आपको मैंने बताया था, इसमें पूरा अपन को लिखना पड़ेगा, लेकिन है ना इसका पूरा मैकेनिज्म अपन को लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। डायग्राम भी नहीं है, बड़े साइज वाला डायग्राम है, एक सिंगल स्प्रिंग वाला डायग्राम नजर आ रहा है। देखो इसमें क्या होता है, एक सिंगल स्प्रिंग होती है, उसके पीछे एक रिटेनर लगा होता है, उस रिटेनर से कनेक्ट होता है आपका एक क्लच पैड। रिटेनर क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा आपके वॉल मैकेनिज्म, वॉल को खोलने, वॉल पे भी कोई भी स्प्रिंग को रोकने के लिए रिटेनर की जरूरत पड़ेगी, यानी उसी स्प्रिंग के साइज का एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसपे अपन उसी पे तो कसते हैं। तो फिर आपका जो क्लच पेडल है वो उस रिटेनर के साथ ही कनेक्ट होता है, वो रिटेनर ही उसको आगे पीछे लेके जाता है। एक बड़ी स्प्रिंग होती है या डबल स्प्रिंग भी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल स्प्रिंग भी यूज कर सकते हो और डबल स्प्रिंग भी यूज कर सकते हो, कारण वही है कि एक टूट जाए तो दूसरी बैकअप में रहे, आपका एकदम से पूरी क्लच फेल ना हो। तो यहाँ पे भी डबल क्लच डबल स्प्रिंग आने वाली, जो कि वहां पे भी डबल स्प्रिंग थी, आपका वॉल के अंदर भी डबल था, यहाँ पे भी डबल स्प्रिंग आती है, सिंगल भी आएगी। सिंपल सा मैकेनिज्म रहेगा, नॉर्मली आपकी स्प्रिंग ये प्रेशर प्लेट के साथ कनेक्ट रहने वाली, प्रेशर प्लेट नॉर्मल सामान्य कंडीशन में स्प्रिंग उस प्रेशर प्लेट को दबा के रखती है जो कि अंगेज कंडीशन कहलाती है। जैसे ही आप उस पेडल को दबाते हो ये रिटेनर हट जाता है अपनी जगह से, रिटेनर पीछे आ जाता है, स्प्रिंग इधर आ जाएगी और आपकी प्रेशर प्लेट भी पीछे आ जाती है, यानी ये डिसअंगेज की कंडीशन रहेगी।
एक सिंगल कॉइल की मैं बात करूँ, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है यहाँ पे, बाकी आपका क्लच प्लेट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर भी क्वेश्चन स्प्रिंग लगी हो, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी केवल मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज स्प्रिंग लगी। दूसरा आता आपका कौन सा, डायफ्राग्राम। ये डायफ्राग्राम के अंदर काफ़ी सारे तामझाम लगे, इसको अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पलकन का भी प्रयोग किया जाता है। पलकन मतलब वही, थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि पलकन आ गया मतलब कहीं ना कहीं आपके मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है आपको, यानी आपको कहीं ना कहीं लीवर का प्रयोग कर रहे हो। एक तो लीवर ये वाला है ही, दूसरा इस डायफ्राम को ऑपरेट करने के लिए भी दिख रहा होगा, एक ही अलग से रोड लगाई गई है और ये दो आपके पलकन लगाए गए, समझ रहे हैं। क्योंकि इसको आप जब इधर से धक्का दोगे तो थोड़ी सी मतलब आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि पूरी प्लेट है भाई ये, उसके लिए क्या लगाया जाता है, ये एक आपको दिख रही पूरी रिंग ऊपर की तरफ, जब इसको दबाते हो तो रिंग उसको उल्टा धक्का दे, डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। इधर से आप देखो, इधर से आप सेंटर में दबाओगे, इधर से ये इधर भेजोगे, समझ रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो क्या। आपने जैसे क्लच प्लेट दबाया तो ये जो आपकी रोड है इसके अंदर स्प्लाइन शाफ्ट जो होती है, ये तो इसको अंदर की तरफ धक्का देगी, और ये जो लोग होते हैं ये इसको इधर खींचते हैं, ये इसमें फंसी होती है, और ये जो पूरी रिंग होती है ना ये इसको इधर खींचते हैं। ये मैकेनिक, ये अपन लिखेंगे अपन पॉइंट देखिए, बराबर है ये। इसलिए यहाँ पे एक अलग यानी डबल लीवर सिस्टम बोल सकते हो, एक लीवर तो आपका ये वाला ही है, यहाँ पे प्लेट को ऑपरेट करने के लिए भी आपको लीवर मैकेनिक यूज करना। तो ये अपन लिखेंगे कल, और फिर छोटा कोयल को तो अपन सबसे ज्यादा लिखने का मैटर इसमें है तीसरे, इस वाले में थोड़ा और भी ज्यादा, तो इनमें समय लगेगा। एक बार ये प्लेट खत्म हो गई मतलब सिंगल प्लेट खत्म हो गई, फिर कुछ भी नहीं है, फिर डबल मल्टी प्लेट आएगी, मतलब एक सेम सेम प्लेट आप मल्टीपल टाइम्स लगा दो। वेट आ गया, ऑयल में डुबो दिया, हाइड्रोलिक में एयर का प्रयोग करें, हाइड्रोलिक में ऑयल का या एयर का प्रयोग करेंगे, और लास्ट आपका ऑटोमेटिक, वो थोड़ा सा उसमें भी टाइम, ऑटोमेटिक वाले में भी हल्का सा टाइम लगेगा, हाइड्रोलिक में अपन ऑयल से ऑपरेट कर लेंगे, पूरा मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपको 5 क्लास और पड़े, ठीक है, पता ही नहीं है, कहाँ गया।